यस, मैं राजेश सोनी आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे आयु है के गुण धर्म। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो तो है इसकी परिवर्त आयु है, जिसे अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि जब किसी आयुह में स्थित सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त आयुह को परिवर्त आयुह कहते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी आयुह ए के किसी आयु ए के परिवर्त आयु है को ए डेस या ए टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, यह इसकी डेफिनेशन है। अब आप यहाँ पर इसको समझे कि अपन ने क्या कहा, तो मान लीजिए ए बराबर आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी जो कोटि है वह है 2 × 3। ओके, और यदि आप यहाँ से ए डेस ज्ञात करना चाहें अथवा ए टी ज्ञात करना चाहें तो यह हो जाएगा, जो पहली पंक्ति है वह पहले स्तंभ में चली जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में चली जाएगी, तो यह बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, और इसकी कोटि है वह होगी 3 × 2। ओके, तो आप यहां से निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि यदि ए की कोटि m गुणा n हो तो ए डेस की जो कोटि है वह n गुणा m होगी। ओके, यह आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और सिंपल सा है कि जो भी पंक्तियां होती है उनको आपको स्तंभों में चेंज कर देना होता है, इससे जो आयु मिलेगा वह हमें परिवर्त आयु प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वह है सममित आयु है, सममित आयु है। ओके, तो इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि यदि ए बराबर ए डैश हो तो आयु है ए एक सममित आयु है होगा, अर्थात यदि कोई आयु है और उसका परिवर्त आयु है बराबर हो तो वे हमेशा वह जो आयु होगा वह एक सममित आयु है होगा। ओके, यह इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। या फिर आप इसके लिए सेकंड डेफिनेशन बता सकते हैं कि यदि किसी आयु है में ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, यदि किसी आयु है में ए आई जे बराबर हो ए जे आई तो इस प्रकार के आयु है को सममित आयु है कहते हैं। ओके, तो अब आप यहां पर इसको देखें कि अर्थात जो ए 12 की वैल्यू है वह हमेशा बराबर होगी ए 21 के, ए 13 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ए 31 के, और ए 23 की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए ए 32 के। यदि ऐसा है
तो आप कह सकते हैं कि यह आयु एक सममित आयु है। ओके, जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 4, सॉरी यहाँ पे है 3, 4, 2, 5, 2 एंड 8। ओके, यह आपका आयु ए है। और अब आप यहाँ पर यदि ए डेज ज्ञात करेंगे तो पहली जो पंक्ति है उसे पहले स्तंभ में लिखें। तो पहली पंक्ति में हमें दिख रहा है 1, 3, 5, तो इस बार में लिखा 1, 3 एंड 5। दूसरी पंक्ति में हमें मिल रहा है 3, 4, 2, तो इसे आप लिखेंगे दूसरे स्तंभ में 3, 4, 2। और तीसरी पंक्ति में हमें मिल रहा है 5, 2 एंड 8, तो इसे आप लिखेंगे तीसरी स्तंभ में। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ए और ए डैश में कोई भी अंतर नहीं है, जबकि अपन ने सभी पंक्तियों को स्तंभों में लिखा है। तो यहाँ ए और ए डे से वे बराबर हैं, इसलिए ए एक सममित आयु है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें नंबर 3, जो इसका गुणधर्म है थर्ड, उसमें आपको नेक्स्ट मिलेगा विषम सममित आयु है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से दी जाती है कि यदि ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए हो, यदि ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए हो तो वह आयु है, तो वह आयु है विषम सममित आयु है कहलाता है। ओके, या फिर आप इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखेंगे वह हो जाएगी कि यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो तो उसे विषम सममित आयु है कहते हैं। ओके, अब आप इसे समझे यहाँ पर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं कि यदि ए 12 बराबर हो माइनस ए 21 के, ए 13 बराबर होगा माइनस ए 31 के, और ए 23 बराबर हो माइनस ए 32 के। यदि ऐसा है तो वह जो आयु होगा आपका वह विषम सममित आयु है होगा। इसका आप एग्जाम्पल लिखें कि ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिया 2, सर यहाँ आएगा आपका 0, 0, 3, 5, -3, 0, 2, -5, -5, -2 एंड 0। तो यहाँ पर आप देखें कि जो मुख्य विकर्ण उसके सभी अवयव शून्य हैं, और जब आप यहाँ पर ए डेस प्राप्त करेंगे तो ए डेस होगा, पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ में लिखेंगे तो यह बन जाएगा 0, 3, 5। नेक्स्ट पंक्ति को नेक्स्ट स्तंभ में लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका -3, 0, 2। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे तो यह हो जाएगा -5, -2 एंड 0। ओके, और हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें दिया हुआ था कि ए टी की वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए माइनस ए के। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यह माइनस आपको इस आयु से ही लेना होगा, तो आप इसको लिखें माइनस कॉमन ले यहाँ से, तो यह बन जाएगा 0, 3, 5, -3, 0, 2, -5, -2 एंड 0, और यह आपको मिल रहा है माइनस ए। ओके, तो ए डेस की जो वैल्यू है वह माइनस ए के बराबर मिल रही है, इसलिए आयु ए जो है इस एग्जांपल के लिए वह एक विषम सममित आयु है। ओके, यस, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं आयु के गुणधर्म से रिलेटेड कुछ संक्रियाएं। जैसे फर्स्ट नंबर है कि ए प्लस ए टी करने से हमेशा आपको जो आयु है मिलेगा
वह हमेशा सममित आयु है होगा। जब आप किसी आयु है में उसका परिवर्त आयु है ऐड करते हैं तो आपको हमेशा जो आयु मिलेगा वह सममित आयु है होगा। ओके, इसे चेक करते हैं अपन। तो मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे लिखें a इज इक्वल टू 2 3 5 4 3 2 1 4 0। ओके, यह एक आयु है, इसका अपन a बेस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर a बेस होगा वह है, तो a डेस या a टी ज्ञात करने के लिए हमें जो पंक्तियां दी हुई होती है उन्हें स्तंभों में बदलना होता है। तो पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ में लिखें तो यह हो जाएगा 2 3 एंड 5। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखें तो यह बन जाएगा 4 3 2। ओके, नेक्स्ट तीसरी पंक्ति को आपको तीसरे स्तंभ में लिखना होता है तो यह हो जाएगा 1 4 एंड 0। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि यदि मैं a और a डैश को जोड़ता हूँ, यदि मैं a प्लस a t करूँ तो यह होगा 2 3 5 4 3 2 1 4 0। ओके, प्लस a t की जगह a t की वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 4 1 3 3 4 5 2 एंड 0। ओके, और अपन यह जो आयु के संक्रियाएं हैं वे पढ़ चुके हैं। तो जब किसी दो आयु का योग होता है तो उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, तो इनकी कोटि बराबर है, 3 गुना 3 3 गुना 3। आप इन्हें ऐड करें तो यह हो जाएगा 2 plus 2 is 4 3 plus 4 is 7 5 plus 1 is 6 4 plus 4 plus 3 is 7 3 plus 3 is 6 2 plus 4 is 6 1 and 5 is 6 4 and 2 is 6 and next 0 and 0 is 0। तो आप यहाँ पर देखें कि जब आपने इन दोनों आयु को ऐड किया तो हमें यह आयु प्राप्त हुआ। ओके, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो a 12 है उसकी वैल्यू बराबर है a 21 के। a 12 की वैल्यू है 7 और a 21 की वैल्यू भी है 7। नेक्स्ट a 13 की वैल्यू और a 31 की वैल्यू भी बराबर है, a 13 की वैल्यू है 6 और a 31 की वैल्यू है 6। नेक्स्ट a 23 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए a 32 के, तो a 23 की वैल्यू है वह है 6 और a 32 की वैल्यू भी है 6। तो तीनों कंडीशन अगर आपकी यहाँ पर सही है तो अतः यह एक यह जो आयु है यह एक सममित आयु है। ओके, और यही आपकी प्रॉपर्टी थी कि a प्लस a डैश करने से जो आयु बनता है वह हमेशा एक सममित आयु है होगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें सेकंड नंबर की, जब आप a माइनस a डैश करते हैं तो जो आयु में प्राप्त होता है हमें वह हमेशा एक विषम सममित आयु है होगा। ओके, यह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी अब आप चेक करें। तो अपन एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू है हमारे पास 2 4 3 2 8 7 5 6 1। ओके, यह अपन ने एक आयु a लिया, तो अब आप इसका a डैश ज्ञात करें तो a डैश आपको मिलेगा, पहली पंक्ति चली जाएगी पहले स्तंभ में तो यह होगा 2 4 3, दूसरी पंक्ति चली जाएगी दूसरे स्तंभ में तो यह बनेगा 2 8 7, तीसरी पंक्ति चली जाएगी तीसरे स्तंभ में तो यह बनेगा 5 6 एंड 1। ओके, तो अब आप यहाँ पर a माइनस a t कीजिए, तो a माइनस a t जब आप करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखे पहले 2 4 3 2 8 7 5 6 एंड 1 माइनस
एटी की जो वैल्यू है वह है आपकी 225 486 37 1। अब आप इसको सोल्व करें तो 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 5 इज -2। ओके, संगत अवयव भी सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 माइनस 4 इज -2, 8 माइनस 8 इज 0, 7 माइनस 6 इज 1। नेक्स्ट 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 7 इज -1, 1 माइनस 1 इज 0। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण अर्थात A11, A22 और A33, इन सभी की वैल्यू 0 है, जो अपन ने डेफिनेशन में लिखा भी था। नेक्स्ट जो A12 है वह बराबर है -A21 के, A12 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू -2। ओके, नेक्स्ट A13 की वैल्यू बराबर है -A31 के और A23 की वैल्यू बराबर है -A32 के। ओके, तो यहाँ पर भी जो डेफिनेशन थी विषम सममित आयु की वह सिद्ध हो रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो आयु है वह एक विषम सममित आयु है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट की, आप क्वेश्चन में आपको मिलेगा आयु है ए को सममित तथा विषम सममित, आयु है के योगफल के रूप में लिखें, योगफल के रूप में लिखें। ओके, यह आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा A=। अब आप देखें आपको लिखना है सममित आयु है और विषम सममित आयु है, तो A=, सममित आयु है प्लस विषम सममित आयु है। ओके, हमें इस प्रकार से लिखना है इसे। तो आप यहाँ पर देखें कि A=, सममित आयु है में हमेशा A और A' को जोड़ा जाता है और विषम सममित आयु में हमेशा A में से A' को घटाया जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 A+AT, यह तो हो गया आपका सममित आयु है, प्लस 1/2 A-A', यह हो गया आपका विषम सममित आयु। यस, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 4, वह है कि A गुणा A' करें आप या A' गुणा A करें, इससे जो आयु है बनेगा वह हमेशा सममित आयु है होगा। ओके, A को A' से मल्टीप्लाई करें या फिर A' को A से मल्टीप्लाई करें, हमें जो आयु मिलेगा वह हमेशा सममित आयु है होगा। ओके, तो इसे भी अपन एक एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो आपने मान लीजिए लिखा A=, ओके, तो या फिर वैल्यूज को थोड़ा छोटा ले लेते हैं अपन यहाँ पे 2, 1, 3। तो यदि आप यहाँ से A' ज्ञात करते हैं तो आपको मिलेगा कि A' जो है वह है आपका पहली पंक्ति पहले इस पर में लिखें अर्थात 4, 3, 2, नेक्स्ट हो जाएगा 1, 5, 6 और नेक्स्ट होगा 2, 1, 3। जब भी आप AT ज्ञात करेंगे तो आपको दिए गए आयु में जो पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभों में चेंज करना होगा। ओके, अब आप यहाँ पर A into
एटी फिरे, तो ए की जगह आप ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे तो यह है 432156213 इंटू ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू लिखेंगे तो अब हमें इन दोनों आव्यूहों का गुणा करना है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने आव्यूहों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है यह देखा था वहां पे। अब आप यहां देखें कि यह बन जाएगा आपका, इसकी कोटि 3 × 3 है और इसकी कोटि भी 3 × 3 है, तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा हमें उसकी कोटि भी 3 × 3 ही होगी। ओके, इसमें 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो ए 11 के लिए हमें पहली पंक्ति को गुणा करना होता है पहले स्तंभ से, तो यह बन जाएगा 4 × 4 इज, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 × 4 इज 16, बीच में आता है प्लस का चिन्ह। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 × 3 इज 9, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यह होगा 4। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए ए 12 की, तो आपको बताया गया था कि ए 12 के लिए हमें पहली पंक्ति को गुणा करना होता है दूसरे स्तंभ से। इसी प्रकार ए 13 के लिए पहली पंक्ति को गुणा करना होता है तीसरे स्तंभ से। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो आपकी पहली पंक्ति है वह मल्टीप्लाई होगी आपके दूसरे स्तंभ से, तो इस बार 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 × 1 इज 1। नेक्स्ट प्लस 3 × 5 इज 15, प्लस 2 × 6 इज 12। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए ए 13 की, अर्थात फर्स्ट रो होगी और थर्ड कॉलम होगा, तो 4 × 2 इज 8, प्लस 3 × 1 इज 3, प्लस 2 × 3 इज 6। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो अवयव होता है ए 21, तो ए 21 के लिए दूसरी पंक्ति होगी और पहला स्तंभ होगा, तो दूसरी पंक्ति को अब आप पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से। यह हमने पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में, यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वह लेक्चर देखें ताकि आपको यह समझ में आएगा कि यह गुणा किस प्रकार से हो रहा है। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से अर्थात आपको मिलेगा 4, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 15, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 12 से 2 से, तो यह हो जाएगा 12। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से, तो 1 × 1 इज 1, प्लस 5 × 5 इज 25, प्लस 6 × 6 इज 36। ओके, नेक्स्ट अब आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरी पंक्ति को थर्ड स्तंभ से, तो 1 × 2 इज 2, प्लस 5 × 1 इज 5, प्लस 6 × 3 इज 18। ओके, अब आपको तीसरी पंक्ति में लिखनी है वैल्यूज, तो यहाँ से भी आप तीसरी पंक्ति को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगी पहले स्तंभ से, तो 2 × 4 इज 8, प्लस 1 × 3 इज 3, प्लस 3 × 2 इज 6। ओके, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 × 1 इज 2, प्लस 1 × 5 इज 5, प्लस 3 × 6 इज 18। नेक्स्ट लास्ट अवयव होता है ए 33 अर्थात तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा, तो 2 × 2 इज 4, प्लस 1 × 1 इज 1, प्लस 3 × 3 इज 9। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यह बन जाएगा आपका 29, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 31, नेक्स्ट हो जाएगा 17, यहाँ पे आपको मिलेगा 31, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पर भी 31 ही होगा। नेक्स्ट यह बन जाएगा आपका 62 और यह बनेगा आपका 25,
नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पर भी आपको 17 ही मिलेगा। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है इसलिए यहाँ पर आपको 25 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 14। ओके तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर ए 12 की जो वैल्यू है वह बराबर है ए 21 के, ए 13 की वैल्यू है वह बराबर है ए 31 के, और ए 23 की जो वैल्यू है वह बराबर है ए 32 के। तो इसलिए ए इंटू 80 हमेशा आपका एक सममित आयु है होता है। ओके जब भी आप किसी आयु है को उसके परिवर्त आयु से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा एक सममित आयु है मिलेगा। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं विषम को। नेक्स्ट जो था आपका ये पार्ट 80 इंटू ए करने से भी आपको सममित आयु मिलता है अथवा नहीं, तो सिंपली ये यही क्वेश्चन रख लेते हैं 80 इंटू ए, तो 80 की जगह 80 की वैल्यू रखें तो यह है आपकी 412351263। इंटू ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट करें तो यह है आपका 432156213। ओके तो अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी 3 × 3, इसकी क्वांटिटी 3 × 3। तो जब आप इन दोनों आयुओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने से जो नया आयु मिलेगा वह उसकी कोटि भी इसकी में 3 × 3 ही होगी। ओके तो आप यहाँ पर देखें कि यह बन जाएगा आपका 3 × 3 ही होगी। तो पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्तंभ से तो यह बनेगा 4 × 4 = 16, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। ओके नेक्स्ट पहली पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा तो 4 × 3 = 12 है, प्लस 1 × 5 = 5, प्लस 2 × 1 = 2। ओके नेक्स्ट पहली पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा तो यह हो जाएगा 8 + 6 + 6। ओके अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखें, अब आपको दूसरी पंक्ति लेनी होगी और पहला स्तंभ होगा तो यह बनेगा 12 + 5 + 2। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात 9 + 25 + 1। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा तो 3 × 2 = 6 + 5 × 6 = 30 + 1 × 3 = 3। नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर तीसरी पंक्ति होगी पहला स्तंभ होगा तो 2 × 4 = 8 + 6 + 6। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर 6 + 30 + 3 और नेक्स्ट होगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 × 2 = 4 + 36 + 9। तो यहाँ से यह जो आयु है वह बन जाएगा 21, यह हो जाएगा आपका 19 और यह बनेगा 20। नेक्स्ट आपको मिलेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है तो इसलिए यहाँ पर भी 19 होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 35, नेक्स्ट होगा 39, फिर ये जो वैल्यू है वह इसके बराबर है तो इसलिए यहाँ पर भी 20 होगा। नेक्स्ट यह बनेगा आपका 39 क्योंकि ये और ये वैल्यू भी सेम है, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ए 12 और ए 21 की वैल्यू बराबर है, नेक्स्ट ए 13 और ए 31 की वैल्यू बराबर है, नेक्स्ट ए 23 और ए 32 की वैल्यू भी बराबर है। ओके यह जो वैल्यू है तो इसलिए 80 इंटू ए भी एक सममित आयु है होता है।